देखिएगा देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं दही ब्रेड के पकौड़े। अरे भाई ये देखने में ही इतने प्यारे नहीं लग रहे हैं, ये इतने स्वादिष्ट बने हुए भी हैं। अब इसे हम काट कर भी चेक कर लेते हैं, देखिएगा अंदर कितना अच्छा दही भरा हुआ है। अब भाई इसका स्वाद तो आपको तब पता चलेगा जब आप एक बार इसे बना कर खाएंगे। हाय गाइस, आपके अपने स्वागत है। आज दोस्तों हम दही के ब्रेड पकौड़ा बना लेते हैं। इसको बनाना जितना आसान है उतने ही ये स्वादिष्ट भी बनते हैं। चलिए तो बिना देरी किए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके बगल का जो घंटा है यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दही लेंगे। मैंने यहाँ पर दही को चलनी में रख लिया था, इससे क्या जो दही में एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे कपड़े में भी बांध कर लगभग एक दो घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हंकर्ड किया हुआ दही। अब ले लेंगे चॉप की हुई धनिया आधा कप जितनी, चार पांच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और गाजर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसको निचोड़ लिया था ताकि उसका सारा पानी निकल जाए, और एक प्याज, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसको भी निचोड़ लिया था ताकि इसका भी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आप चाहें तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं। अब हम धनिया को डाल देते हैं दही में, और हरी मिर्च, गाजर और प्याज। अब डाल देंगे इसमें हम चिली फ्लेक्स, आप अपने हिसाब से इसमें कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं, चाट मसाला लगभग 3/4 टेबल स्पून जितना, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टेबल स्पून जितना, और नमक स्वाद के अनुसार। वैसे यहाँ पर नमक हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि दही में नमक बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने 1/4 चम्मच जितना ही नमक डाला है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब दही में सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे हम कद्दूकस की हुई चीज़। आप चाहें तो चीज़ को छोड़कर पनीर भी डाल सकते हैं, या आप इसमें आलू का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ। अब इन सभी को मिला लेते हैं। अब ले लेंगे हम ब्रेड, मैंने इस तरीके की बड़ी ब्रेड ली है। अब हम एक ब्रेड ले लेते हैं और इसके जो किनारे के हिस्से हैं उसको हटा देते हैं। इसे हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ब्रेड जो है आपस में चिपकेगी नहीं। तो आप किनारे का हिस्सा ज़रूर इसका हटा दें। अब हम एक एक करके सभी ब्रेडों के किनारे का हिस्सा हटा देते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रेड लें ताज़ी लें और इसको फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, यानी कि आप ब्रेड का पैकेट लाएँ और उससे तुरंत बना लें। अगर आप फ्रीज में रख देंगे तो क्या है, जो हमारी ब्रेड है उसका टूटने का डर ज़्यादा रहता है। लीजिए, हमने सारी ब्रेडों के किनारे के हिस्से हटा दिए। अब हम एक ब्रेड ले लेते हैं और इसको बेलन की सहायता से इस तरीके से बेल लेते हैं। इससे क्या, जो हमारी ब्रेड है वो आपस में चिपक जाएगी और जब इसमें कोई भी फिलिंग भरेंगे तो ब्रेड हमारी टूटेगी नहीं। अब इसमें हम पानी लगा देते हैं। पानी लगाने से ब्रेड हमारी हल्की सी गीली हो जाती है और क्या, तेल भी थोड़ा सा कम पीती है और आपस में चिपक भी जाती है। अब इसको पानी लगाने के बाद हल्का सा फिर से बेल लेते हैं। अब ब्रेड हमारी बेल कर तैयार हो गई है, तो अब ले लेते हम दही का मिश्रण लगभग 1 चम्मच, और इसको इस तरीके से ब्रेड पर फैला लेते हैं। अब डाल देंगे इस पर हम चिली फ्लेक्स, और इसको इस तरीके से हल्के हाथों से बड़ी ही सावधानी से घुमाते हुए मोड़ लेंगे इस तरीके से। यह आपस में ना चिपके कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा बहुत अगर ऊपर से खुल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इसे बेसन में लपेट कर पकौड़ी सेंकनी है। देखिएगा, है ना कितना आसान बनाना इसे। अब इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड को भी भरकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड को बेल लेंगे। अब इसमें हल्का सा पानी लगा लेंगे और अब दही का मिश्रण फिर से इसके ऊपर फैला देंगे। अब इसको हल्के हाथों से इस तरीके से फिर से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने सारे रोल बना लिए हैं इस तरीके से। अब हम फिर से एक बाउल ले लेते हैं। मैंने इस तरीके का चौड़ा बाउल लिया है ताकि इसमें जो हमारी ब्रेड है आसानी से डिप हो जाए। अब इसमें डाल देंगे हम बेसन, मैंने लगभग यहाँ पर 1.5 कटोरी बेसन लिया है, वो भी छोटी वाली। अब डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स, और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इनको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, और अब डालेंगे इसमें हम पानी। पानी हम धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि बैटर हमारा जल्दी से गीला ना हो जाए और हमारी जो इसकी गुठलियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ। अब इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे फिर से मिला लेते हैं। बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में से रखना है। लीजिए, बैटर तुम्हारा बनके तैयार हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इस पर तेल से भरी हुई कढ़ाई रख देते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, तो अब ले लेते हैं हम ब्रेड का रोल। अब इसको हम बेसन के बैटर में डिप कर लेते हैं और इसके ऊपर अच्छी तरीके से बेसन की कोटिंग कर देते हैं, नहीं तो क्या, जो हमारा दही का मिश्रण है वो बाहर भी आ सकता है, इसीलिए इसे अच्छी तरीके से लपेट लें। अब इसको डाल देते हैं हम तेल के अंदर
अब हम दूसरे ब्रेड के रोल को भी डिप करके डाल देते हैं। इन ब्रेड दही पकौड़ा को जब भी सेंकें मीडियम फ्लेम पर ही सेंकें। अगर आप ज़्यादा स्लो करेंगे तो ये तेल ज़्यादा पी लेंगे, और आप ज़्यादा हाई करेंगे तो जल्दी से जल जाएंगे। अगर ये आपके बिल्कुल राउंड शेप में नहीं आ रहे तो उसके बाद हाथों से इसे आप हल्का सा दाब दें, यानी कि जब बेसन में डिप कर दें उसके बाद हल्का सा हाथों से प्रेस कर दें तो ये अपने आप गोल आकार में आ जाएंगे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब इसे भी डाल देते हैं। इसी तरीके से एक और हम ले लेते हैं। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, बेसन थोड़ा सा कम पड़ गया। खैर जिस तरीके से मैंने 1.5 कप लिया है तो आप 2 कप बेसन ले लें। मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता ही रहता है, तो आप टेंशन ना लें, बस आपके साथ ना हो इसलिए मैंने बता दिया कि आप 1.5 कप की जगह 2 कप बेसन ले लें। लीजिए दही ब्रेड पकौड़ा तो सिककर हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इन्हें आप दही ब्रेड पकौड़ा भी कह सकते हैं, या इन्हें आप दही ब्रेड रोल भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। फिलहाल मैंने दही ब्रेड पकौड़ा ही कहूँगा। अब जो बचा हुआ है इसे भी हम सेंक लेते हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, देखिएगा बिल्कुल किनारे के हिस्से में जो मेरा बचा हुआ बैटर था, यानी कि जो बेसन का बैटर था, उसको लगा दिया और इसको तेल में डालकर सेंक लिया। ये भी बहुत अच्छा बना है, और मुझे लग रहा है इन पकौड़ों की अपेक्षा ये ज़्यादा क्रिस्पी भी बना हुआ है। अब ये आखिरी वाला देखिएगा कितना क्रिस्पी लग रहा है। देखिएगा मैंने इसके किनारे पर सिर्फ बेसन लगा दिया था बस, और इसको ऐसे सेंक दिया था। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सेंक सकते हैं। तो कब बना रहे हैं इतना आसान और स्वादिष्ट दही ब्रेड पकौड़ा? जब भी बनाएं अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बगैर नहीं जाना। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल का जो घंटा है यानी कि बेल आइकन, उसे भी दबा देना, ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।